न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और बात करते हैं रीवा जिले में, जहां आजकल चोरी की वारदातों में बाढ़ सी आ गई है। आए दिन मौका पाते ही बदमाशों के द्वारा अंदर घुसकर सोने चांदी के जेवर और नकदी पार कर दिए जाते हैं। एक बदमाश को ऐसे ही कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने पूछताछ कर न्यायालय में पेश कर दिया है। आपको बता दें कि 4 जून को फरियादी विमला साकेत निवासी धौचट थाना चोराटा ने थाने पहुंचकर शिकायत करवाई थी कि वहां उनके सारे जेवरात जो उन्होंने अपनी मां के पास निपनिया में रखी थी, उसे अज्ञात चोरों ने 10 मार्च को चोरी कर लिए हैं। वहीं फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली रीवा में अपराध को दर्ज कर दिया गया और मामले की विवेचना की जा रही थी। मुखबिर की सूचना के बाद से थाना प्रभारी सिटी कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह परिहार ने घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी आसपास के संदिग्धों से पूछताछ की। वहां पूछताछ के दौरान निपनिया निवासी अनिल साकेत को घटना दिनांक को फरियादी की मां के घर के पास देखा गया था। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी ने 10 मार्च को घटना को अंजाम देना कबूल किया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। वहीं इस मामले का खुलासा करने में निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह परिहार, उप निरीक्षक राम्यस रावत, प्रधान आरक्षक राजकुमार तिवारी, आरक्षक अंशुमान सोनी, रवि पांडे, देवेंद्र सिंह और मोहिनुद्दीन खान, भगत राम सिलावट की टीम रही।